हेलो गाइस दोस्तों, अगर आप हमारी सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप इस इंट्रो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इंट्रो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं या बीच में से हमारी सीरीज को देख रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। मैं बता देता हूँ कि ये जो सीरीज है किस किस के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले यही जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने हमारी वीडियो को चूज किया है तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। ठीक है, ये तीन लोगों के लिए हेल्पफुल है ये सीरीज। फर्स्ट, जिस भी किसी को NISM सीरीज 5 का एग्जाम देना है, आपको पता होगा कि अगर आपको इंडिया में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको NISM सीरीज 5 का एग्जाम देना मैंडेटरी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये उनके लिए हेल्पफुल है। सेकंड, जो कोई एग्जाम तो क्लियर कर चुका और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी है लेकिन उसके कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको कोई बेसिक नहीं बताएगा कभी भी। आप आगे इंडस्ट्री में हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हो, तो बेसिक अगर आपको क्लियर करने, अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ाना है तो भी ये वीडियो आपके काम की है। थर्ड, आप ना तो आपको एग्जाम देना ना आपको म्यूचुअल फंड सेल करने, कभी ना कभी आप खरीदने की तो सोचोगे ना, क्योंकि आने वाला टाइम आपको पता है कि सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में हमारे पास इंडिया में, वो म्यूचुअल फंड है। तो अगर जब तक आपको उसका क्लियर नहीं होगा बेसिक, तो आप परचेज करोगे भी तो आपको पता नहीं होगा कि आपने सही किया गलत किया। फिर तो जो आपको जो बताएगा आप उसके अकॉर्डिंग परचेज करोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता लग गया कि आपके कैसे हेल्प करेगी ये सीरीज, तो वीडियो पूरा देखना अगर आप इन तीन कैटेगरी में आते हैं। तो अगर नहीं आते तो आप वीडियो को स्किप करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है प्लस प्रैक्टिकल भी होने वाला है, क्योंकि आज का चैप्टर जो बात करेगा वो बात करेगा आपकी और हमारी, आप और हम कौन है, हमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, या बनने वाले हैं या ऑलरेडी है। तो हमारी बात क्या क्या होने वाली है, यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट होने वाली है कि एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप काम कैसे करते हो, या फिर जो अभी तक नहीं बने उसमें प्रोसीजर बताया जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाएगा, चेंज ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि अगर उसको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करने तो क्या प्रोसीजर, मतलब कंप्लीटली आपसे और हमसे रिलेटेड बात होने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपको चैप्टर का नाम भी ऑलरेडी पता है कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, यानी कि इस चैनल को चलाने के लिए क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। चैनल कौन सा, चैनल ये वाला म्यूचुअल फंड का चैनल कंप्लीटली, यानी कि इन्वेस्टर से लेके ये पैसा कहाँ जाता है और कैसे आपको रिटर्न आता है घूम के वापस, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इसलिए चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से एंड तक देखना ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि उसमें मजा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर है हमसे रिलेटेड। ठीक है, चलो देखो, पहला ही क्वेश्चन हमारा आता है, जो ये मैंने क्वेश्चन बोल लो इसको या फिर मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखो इन्वेस्टर, सबसे पहले कोई इन्वेस्टर है वो आता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है 5,000-10,000 या फिर लमसम कुछ भी करनी है, वो आपको आके बोलेगा। यानी मैं भी चैनल की बात करूँ, देखो यहाँ पे चैनल की बात हो रही है कि इन्वेस्टर आया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो फंड मैनेजर को अमाउंट इकट्ठा करके देगा जो उसको पोर्टल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि लॉगिन वगैरह क्रिएट होगा इन्वेस्टर का, वहाँ पे वो अपनी पेमेंट वगैरह करेगा, तो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फंड मैनेजर के पास जाएगी। फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि मेरे को किस शेयर में क्या कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कंप्लीटली जो डिसीजन होगा वो फंड मैनेजर का होगा। ठीक है, इससे वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी बनाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो बनना है, प्लस आपके इन्वेस्टर का भी पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, और उस पोर्टफोलियो की जो रिटर्न आएगी वो वापस से फिर इन्वेस्टर को मिलेगी। ऐसे ये चैनल काम करता है आपका। ठीक है दोस्तों, चलो आपको ये अभी थोड़ा सा क्लियर होगा, लेकिन जब पूरा चैप्टर आप ध्यान से सुनोगे ना आपको मजा भी आएगा और चीजें क्लियर भी अच्छे से होगी। चलो ठीक है, डन। द फंड मैनेजर कुड बी अ म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेजिंग ए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन द लाइन विद द स्कीम्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी इस चार्ट के थ्रू बता चुका, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जॉब इज टू असेस द नीड्स, लिमिटेशन, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द इन्वेस्टर। दिस एनालिसिस वुड हेल्प द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अराइव एट द सुटेबल एसेट एलोकेशन प्लान फॉर द इन्वेस्टर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वो इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी हम सीख चुके।
The mutual fund distributor analyzes the situation of the investor, whereas the fund manager analyzes the market factors. देखो सिचुएशन जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो सिचुएशन देखता है इन्वेस्टर की कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है क्योंकि उसको, ठीक है। फंड मैनेजर क्या देखते हैं, मार्केट की सिचुएशन, क्योंकि उसको आगे जाके पैसा इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि इन्वेस्टर की जेब आप देखोगे, और जब जेब से पैसा निकल के आ जाएगा फंड मैनेजर के हाथ में तो मार्केट की सिचुएशन देखेगा फंड मैनेजर कि इसको पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, और कहाँ से निकालना है, और कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। देखो ये भी आपने ऑलरेडी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के डिफरेंट काइंड्स होते हैं। पहला तो इंडिविजुअल प्लेयर्स, हम तुम, ठीक है, हम तुम। फिर एनबीएफसीज एंड स्टॉक ब्रोकर्स। देखो ये जो आपने नाम सुना होगा, आपने जो मोस्टली एक नाम सुना होगा एनजे, ये आपके स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। ये एसिड प्लस, वेल्दी, निवेश, ये सब एज ए ब्रोकर काम करते हैं। अब आप कहोगे कि यार एक ब्रोकर में क्या होता है, यहाँ पे होता क्या। देखो क्या होता है, जब आपके पास आपका एनआईएसएम का एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है, और आपके पास एआरएन आ जाता है, तो आपकी चॉइस होती है कि आप इंडिविजुअल एएमसी के पास जाओ, जैसे कि एसबीआई है, सबसे पहले आप उसके पास गए कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, चलो। फिर आप गए कोटेक के पास, फिर आप गए कौन बचा, निपोन के पास, फिर आप गए किसके पास गए, आप एचडीएफसी के पास। आप इंडिविजुअली सबके पास घूम रहे हो कि मेरे को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, ठीक है। आपने घूम घूम के 4, 5, 10 ले लिए, ठीक है, फिर भी एक दो, फिर 44 एएमसी इंडिया के अंदर, फिर भी कोई ना कोई बच गया, आपके पास कोई बंदा है, नहीं मैं तो उसी का टाटा का ही लूंगा, और टाटा का आपने लिया भी नहीं, तो उस सिचुएशन में आपके सामने दिक्कत आएगी, आप फिर सोचोगे कि यार अब इसका भी ले लो, ठीक है। आपके 50 क्लाइंट, आपके 50 ऐप आपको मैनेज करनी पड़ रही है कि मेरा ये क्लाइंट इसमें है, वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है आया है आपका ब्रोकर वाला, ठीक है। वो ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारी एएमसी के म्यूचुअल फंड ला के देगा, वो आपका कमीशन उसमें थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आपको अपने क्लाइंट मैनेज करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही प्लेस पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। आपका एयूएम भी आपकी एक ही प्लेस पे होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके पास कमीशन इनकम वगैरह कितनी आ रही है, क्या हो रहा है, ए टू जेड आप एक एक चीज, एक पोर्टल होगा तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। इनिशियली मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ कि आप इनिशियली किसी ब्रोकर के साथ ही जाए, अब बाद में जब मार्केट सीख जाओ आपको पता लग जाएगी मेन मेन किस किस कंपनी के म्यूचुअल फंड लोग परचेज करना पसंद करते हैं, फिर आप उसका इंडिविजुअल एएमसी कोड लेके आप उनके साथ करो स्टार्ट, ठीक है ना। चलो बैंक, बैंक्स भी आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई में आप गए, एक अलग से डेस्क लगा हुआ है कि किसी को म्यूचुअल फंड खरीदना है तो वो जाके इनसे बात करो, तो वहां पे उनके पास ब्रोकर कोड, वो डिस्ट्रीब्यूटर कोड होता है जिसके थ्रू वो म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेशनल और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई कोई ना ये जैसे कि एनजे वगैरह होता है ना, ये इनको कहीं कहीं पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी बोला जाता है, वे होते ब्रोकर हैं, बट ये क्या करते हैं अपने नीचे ना सब ब्रोकर्स बना लेते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके आपके एआरएन से कनेक्ट करके आपको अलाउ कर सकते हैं कि उनके पोर्टल के थ्रू आप सेल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में आपको और ज़्यादा थोड़ा सीखना होगा तो आप मॉड्यूल से जो आपको मिला हुआ है एनआईएसएम का उसके से पढ़ सकते हैं, आपको बेटर क्लियर हो जाएगा ये चारों क्या है। अभी के लिए आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको बेस पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो आगे, मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के मोड्स क्या है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, अगर आपका क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही खरीदा और बेचा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और सेबी हैज फैसिलिटेटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द यूनिट्स ऑफ द ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। देखो ये तो ओपन एंडेड
तो परचेज होते ही है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, बट क्लोज एंडेड के लिए क्या होता है कि वो एक फिक्स यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर 1000 यूनिट किसी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की निकली है या मार्केट में आई है, अगर उसको कोई बेचेगा तभी कोई और खरीद सकता है। तो ओपन एंडेड में आपका क्या होता है, ओपन एंडेड में मार्केट में जितनी डिमांड आती है उतनी यूनिट इशू करते रहते हैं वो, ठीक है। और आपको जो म्यूचुअल फंड होगा वही आपको यूनिट्स देगा। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, यूनिट्स फिक्स होती है, ऑलरेडी किसी के पास होती है, वो बेचेगा तो आपको मिलेगा। यानी कि इसमें कौन देता है, इन्वेस्टर जो सेल करता है, जो यूनिट होल्डर होता है वो सेल करेगा, तब आपके पास म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आएगी। ये क्लोज एंडेड में होता है आपका, ठीक है, वो भी आपके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होता है। म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज, कुछ यूटिलिटीज बनी हुई है जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो। न्यू एज इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, देखो आपने नाम सुना होगा आज के टाइम में मार्केट में बहुत है, ग्रो, ये न्यू एज यानी कि आज के जमाने का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको एक ही जगह सारी चीज मिल जाएगी। क्या क्या मिलता है, आपको इक्विटी खरीदनी है वो वहीं से खरीद सकते हो आप, ठीक है। आपको आईपीओ अप्लाई करना है वो भी वहीं से हो जाएगा, प्लस आपको म्यूचुअल फंड परचेज करना है वो भी उधर से मिल जाएंगे। तो यानी कि न्यू एज प्लेटफॉर्म्स है आपके पास, पेटीएम मनी, कुबेरा, कोइन एटसेट्रा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, हर किसी की मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुकी है, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास कुछ हो या ना हो मोबाइल फ़ोन तो होता ही है। मोबाइल फ़ोन होगा तो उसको यूज़ करने के लिए वो वेब पे क्यों जाएगा, वो चाहेगा उसकी मेरे को ऐप मिल जाए ताकि ईजी हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स, ये तो होते ही है, यानी कि ऑनलाइन चैनल पार्टनर का मतलब क्या, वेबसाइट अपनी लॉन्च कर दी, बंद कर दी किसी कंपनी ने, एएमसी ने, ब्रोकर ने, एक लॉगिन पोर्टल दे दिया आपको जिसके थ्रू आप सेल परचेज कर सकते हो। तो वो एक तरीके से आपका ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू आप सेल, परचेज, एड ऑन, एसआईपी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। प्री रिक्यूजिट टू बिकम ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, क्या प्री रिक्यूजिट है, सबसे पहले एनआईएसएम सर्टिफिकेशन, सबसे पहले तो आपको एनआईएसएम का एग्जाम देना होगा। एनआईएसएम का एग्जाम आप हमारे थ्रू दोगे तो फ्री में हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो 1500 फीस लगेगी, चलो। सेकंड, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायरमेंट्स, ये आपको केवाईडी करानी होगी, जैसे केवाईसी होती है ना कस्टमर की, नो योर कस्टमर, तो आपकी होती है केवाईडी, चलो। ऑब्टेन एएमएफआई रजिस्ट्रेशन, आपको एआरएन नंबर लेना होगा। आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो 1770 फीस, हमारे थ्रू करोगे तो फ्री, ठीक है, यानी कि आपकी दोनों ये कॉस्ट फ्री हो जाएगी। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो हम आपको ट्रेनिंग भी फ्री में करा देंगे, ठीक है, आपका एनआईएसएम के एग्ज़ाम की फ़ीस भी इधर से ही हो जाएगी आपकी, प्लस आपका एआरएन भी फ्री में हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। चलो, इम्पैनल विद एएमसी, आप या तो किसी इंडिविजुअल एएमसी के साथ जाके इम्पैनल हो जाना या फिर ब्रोकर के साथ हो जाना, यही एक प्रोसीजर होता है आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। यानी कि पहला क्या है, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन, क्लियर। सेकंड, केवाईडी करा लो अपना, ठीक है, ये ऑनलाइन हो जाता है आज के टाइम में, चलो। थर्ड, एआरएन ले लो, फिर एएमसी या ब्रोकर से कनेक्ट हो जाओ। इतना सा प्रोसीजर है और इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं, कम्प्लीटली आपकी ट्रेनिंग से लेके सब कुछ यहाँ पर हम आपको कराएंगे। आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको कम्प्लीटली गाइड करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो, कमीशन मैंडेटेड बाय सेबी एंड ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस बाय एएमसी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सेबी हैज मैंडेटेड एएमसी टू डिस्क्लोज ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट द पोर्टल टोटल कमीशन एंड एक्सपेंसिस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड टू पुट द प्लेस इन द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस ऑफ द रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर हु क्वालिफाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले तो सेबी ने मैंडेट किया है हर एएमसी को कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या तो कमीशन दे रही है अपनी वेबसाइट में मेंशन करना पड़ेगा। सेकंडली, क्या आपका एक्सपेंस रेशियो है वो भी आपको अपनी वेबसाइट पे मेंशन करना पड़ेगा जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े। और ड्यू डिलीजेंस भी मैंडेटरी किया हुआ है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, यानी कि हमारा और आपका ड्यू डिलीजेंस होगा अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में हम फॉल करेंगे तो। क्या है वो कैटेगरी ऐसा,
कि हमारे ऊपर ड्यू डिलीजेंस भी लगा दी सेबी ने। देखो वो रीज़न बहुत अच्छा है, अगर आप उस कैटेगरी में आओगे तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपकी इजी हो जाएगी, यानी कि आपका काम बहुत अच्छा चल गया इसका मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, तभी आपकी ड्यू डिलीजेंस हो रही है। तो आप कोशिश करो कि हर बंदा जो आज की डेट में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम देना चाहता है कि मैं इस कैटेगरी में आऊं और जल्दी आऊं, यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। आपको इस चीज़ से डरना नहीं कि सेबी मेरी ड्यू डिलीजेंस करा रही है, नहीं, अगर आप इस कैटेगरी में आ गए तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप मतलब कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो गए। तो ये आपकी मोटिवेशन की डोज है इस बार जो अभी ये जो चीज़ बोलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी एग्जाम दे रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरी ड्यू डिलीजेंस कब होगी, ठीक है। पहला, मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस मोर देन 20 लोकेशन, यानी कि आपका ऑफिस है 20 जगह से ज़्यादा तो आपकी ड्यू डिलीजेंस होगी। बंदा 20 जगह से ज़्यादा ऑफिस कब खोलता है, उसका काम अच्छा चल जाता है, तब वो खर्चे निकालने लगता है इससे, तभी तो वो एक एक की जगह 20 जाएगा, नहीं तो काम बंदे का चल नहीं रहा, वो 20 जगह ऑफिस थोड़ी ना खोल लेगा। तो यानी कि अगर आपका ऑफिस खुल रहा है जगह जगह जगह, इसका मतलब आपका काम बड़ा अच्छा चल रहा है, तो यानी कि इस सिचुएशन में आपकी ड्यू डिलीजेंस होगी। सेकेंड, AUM रेज्ड ओवर 100 करोड़, अगर आपका AUM आपका अगर 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, यानी कि यह तो बड़ी अच्छी खुशी की बात होगी आपके लिए, ठीक है, तब भी आपकी ड्यू डिलीजेंस होगी। द कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर ₹1 करोड़ पर एनम अक्रॉस इंडस्ट्री, यानी कि अगर आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का कमीशन मिल रहा है तो भी आपकी ड्यू डिलीजेंस होगी, ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। द कमीशन रिसीव्ड ऑफ ओवर ₹50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड, यानी कि आपने कोई एक सिंगल म्यूचुअल फंड सेल किया और उससे आपके ₹50 लाख से ज़्यादा कमीशन आ गया, तब भी आपकी ड्यू डिलीजेंस हो गई, ठीक है। यानी चारों रीज़न अच्छे हैं। एट द टाइम ऑफ इम्पैनलिंग डिस्ट्रीब्यूटर एंड ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज रिव्यू प्रोसेस, म्यूचुअल फंड AMC हैव टू अंडरटेक ए ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस टू सेटिस्फाई फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, ठीक है। म्यूचुअल फंड AMC शेल ऑल्सो सबमिट द अबाउ डेटा टू AMFI, म्यूचुअल फंड AMC नीड टू मेक एडिशनल डिस्क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज ग्रोज इन फ्लोज इंक्लूडिंग वेदर द डिस्ट्रीब्यूटर इज एन एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर ऑफ द म्यूचुअल फंड, नेट इनफ्लोज, एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, क्लियर। मेनली आपका इस स्लाइड में ये इम्पोर्टेंट था, इसमें आपका MCQ भी पूछा जाएगा और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब आता है आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। देखो मैं इसको आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। ये जब हमारे पास एक बंदे का एक बार कॉल आया, मुझे बोलता कि सर मुझे एक चीज़ बताओ, म्यूचुअल फंड एडवाइजर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में फ़र्क क्या होता है, बताओ आप क्या होता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप इस फ़र्क को समझ पा रहे हैं तो। अगर वो फ़र्क आपने समझ लिया तो यही है यहाँ पर फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, वही फ़र्क यहाँ पर है जो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में डिफरेंस है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ क्या है एक सिंपल लैंग्वेज में। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कौन होता है भाई, इसमें कोई भी बंदा हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस दे रहा है, मतलब यानी कि आपने अपने दोस्त से पूछा भाई मैं किस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाऊं, भाई मैं कौन सा शेयर परचेज करूं, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है एक बेसिक आम भाषा में, ठीक है। जबकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, जिसने पहले सबसे पहले NISM का एग्ज़ाम निकाला है, ठीक है, उसके बाद में ARN होल्डर है वो, थर्ड वो किसी AMC के साथ इम्पैनल है या किसी ब्रोकर के साथ इम्पैनल है, तभी वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि म्यूचुअल फंड एडवाइजर तो कोई भी हो सकता है, आप पड़ोस के चाचा नाना मामा बुआ फूफा किसी से पूछ लो, अगर किसी ने आपको एडवाइस दे दी तो वो आपका एडवाइज़र। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कौन बनेगा, पहले NISM का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, ARN होल्ड करना पड़ेगा, इम्पैनल होना पड़ेगा किसी AMC के साथ या ब्रोकर के साथ, तभी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बोले जाओगे, माने जाओगे या इंडस्ट्री में एक्सेप्ट किए जाओगे, ठीक है। चलो क्लियर 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 क्लियर। नॉमिनेशन फैसिलिटीज टू एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पेमेंट ऑफ कमीशन टू नॉमिनी, मतलब कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार की बात है, मैं अभी अभी के लिए आपको बता देता हूँ। मेरे पास में एक कॉल आई थी,
मतलब सीनियर सिटीजन थे वो और रिटायर्ड थे कहीं से, तो वो अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे थे म्यूचुअल फंड का, लेकिन उन्हें एक चीज़ का पता, वो 60 क्रॉस कर चुके थे, तो उन्हें ये पता था कि मैं मैक्सिमम 5 नहीं 10 साल मेरे बाद चला ही जाऊंगा, अगर मैंने एक काम जमा भी लिया तो इसका बेनिफिट मेरे बच्चों को होगा या नहीं होगा, मतलब अगर उन्होंने मेहनत करके AUM अपना बना लिया 100 करोड़, उससे आपकी अर्निंग मान के चलो 100 करोड़ से 1 करोड़ ईयरली आ रही है, 1 करोड़ ईयरली आपकी हो गई अप्रोक्स 8 से 9 लाख रुपए महीना आ रहे हैं, और उस टाइम पे अंकल जी गए भगवान जी के पास चले गए, ठीक है, उन्होंने इतनी मेहनत करके ह्यूमन तो खत्म हो जाएगा क्या वहां पे, मुझे ये बताओ, तो उसमें नॉमिनेशन मिलता है या नहीं मिलता है, उसी सवाल का जवाब हमें यहां मिलेगा, ठीक है, उसी सवाल का जवाब हमें यहां मिलने वाला है, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुनने के बाद कि मिलेगा कैसे, मिलेगा द कमीशन आर पेड टू द नॉमिनीज और लीगल हायर्स वेयर नो नॉमिनीज रजिस्टर्ड ऑफ द डिसीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सच कमीशन शैल बी पेबल टिल सच टाइम ऑफ द एयर एंड कट ऑफ द डिसीज एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट चेंज्ड बाय द इन्वेस्टर, हाउ नो न्यू बिजनेस इज परमिटेड अंडर द एयर एंड कट ऑफ द डिसीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो ऑलरेडी वो सेल कर चुका, अगर आप उसने नॉमिनी ऐड किया हुआ है तो उस बंदे को मिल जाएगा उसका रिन्यूअल कमीशन, यानी कि उसका ट्रेल कमीशन उसके नॉमिनी को या लीगल हायर को मिल जाएगा अगर उसने ऐड किया हुआ है तो, और उसके ARN कोड से कोई भी नया बिजनेस नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, वेयर नॉमिनेशन इज नॉट रजिस्टर्ड द AMC में रिक्वायर द लीगल हायर टू प्रोड्यूस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग लीगल हायरशिप सक्सेशन एंड वेयर एवर द नॉमिनीज आर रजिस्टर्ड कमीशन कैन बी मेड विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल हायर सर्टिफिकेट सक्सेशन सर्टिफिकेशन एटसेट्रा। देखो दो चीज़ होती है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर ने नॉमिनी अपना नाम लिख के चला गया कि मेरे बाद इसको दे देना, तो बात ही खत्म, तो ऑटोमेटिकली उसके डेथ के बाद वो बंदे पे कमीशन ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा था कि उसने डाला ही नहीं भैया कुछ भी कि मेरे को नॉमिनी नहीं है कोई, तो फिर जो उसका लीगल हायर होगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उसका लीगल हायर है, लीगल हायर है, ठीक है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा तभी उसको कमीशन मिलेगा, ठीक है। ए नॉमिनी लीगल हायर नीड नॉट टू बी ARN होल्डर टू क्लेम टू रिसीव द कमीशन, यानी कि जो नॉमिनी होगा या लीगल हायर होगा उसको क्या ARN होल्डर होना मैंडेटरी नहीं है कमीशन रिसीव करने के लिए। चलो नॉमिनीज और लीगल हायर्स आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द एसेट्स टू हिज हर अकाउंट अनलेस ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोवाइडेड द नॉमिनी और लीगल हायर इज ए वैलिड ARN होल्डर, ठीक है। चलो नॉमिनीज या लीगल हायर को अलाउड नहीं है कि वो कोई भी ऐसे ट्रांसफर कर सके, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अगर बाय चांस आपने बहुत मेहनत करके अपना बिजनेस बनाया और आपने 100 करोड़ तक उसको पहुंचा दिया तो आपके बच्चों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपका, ठीक है, क्लियर क्लियर। चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, जैसे कि इसके लिए भी मेरे पास एक बार कॉल आया था, एक बंदे का मेरे पास कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मेरे से पूछ पूछ के ना म्यूचुअल फंड परचेज किए थे, अब मुझे ये बताओ मैं म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो ले लूंगा, और उनका AUM हो रहा है अप्रोक्स 1 करोड़ के आसपास, तो उनका कमीशन मुझे कैसे मिल सकता है, क्या वो अपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के मेरे पास आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं तो मुझे तरीका बता दो वो कैसे आएंगे, ठीक है, तो वही तरीका आप यहां पर सीखोगे। चलो इन्वेस्टर्स कैन चूज टू चेंज, इन्वेस्टर कैन चूज टू चेंज देयर डिस्ट्रीब्यूटर और गो डायरेक्ट, इन्वेस्टर के पास पूरा राइट होता है कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर ले या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में चले जाए, ठीक है, देखो डायरेक्ट में नुकसान होता है, आपको एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता, आप डायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़ते हो, ठीक है, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आपकी रिटर्न थोड़ी ज्यादा हो जाती है, यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन
रह जाता है बीच में से। चलो कोई बात नहीं, दिस नीड्स टू डन थ्रू ए रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इन्वेस्टर। यानी कि अगर आपके रिश्तेदारों ने या आपके दोस्तों ने कहीं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास रजिस्टर्ड है, तो आप ये नहीं कि मेरा दोस्त है इसको मेरे पास भेज, नहीं, जब तक वो इन्वेस्टर रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं देगा डिस्ट्रीब्यूटर को कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर चेंज होना है, और जब तक वो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर एनओसी नहीं देगा, जब तक आपके पास वो ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि एनओसी मैंडेटरी है प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूटर से। क्लियर क्लियर। इफ द चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कोड इज इनिशिएटेड बाय द इन्वेस्टर ऑन अकाउंट ऑफ वॉलंटरी सेसेशन ऑफ बिजनेस बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वुड गेट द ट्रेल कमीशन। ठीक है, चलो, अगर पुराने डिस्ट्रीब्यूटर ने काम बंद कर दिया और नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास काम के पास आपका इन्वेस्टर आ गया, तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रेल कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। ए डिस्ट्रीब्यूटर कैन इनिशिएट ए चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूटर कोड इन द फोलियो ऑफ वंस क्लाइंट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द नेम लीगल स्टेटस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्टिंग हिज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस टू पार्टनरशिप। ठीक है, मर्जर एक्विजिशन ट्रांसफर एवीएम कंसोलिडेशन इनिशिएटिव विद इन द सेम फैमिली क्लोज रिलेटिव इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बाय इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। तो इन सिचुएशन में मेनली एक इन्वेस्टर चूज करता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें वो चूज करेगा कि मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना है। ठीक है, चलो, क्लियर क्लियर। अरे वाह, आपका चैप्टर कंप्लीट। आज कितने मिनट में हुआ है? 25 मिनट लग गए यार। देखिए इतना इजी चैप्टर था लेकिन इंटरेस्टिंग था, पढ़ने में मजा आया। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू, अरे अरे क्या कर रहे हो, ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। नहीं, हमने पढ़ा था ना, चार लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, आपके ब्रोकर्स होते हैं, बैंकिंग हाउस या एनबीएफसी होते हैं, चौथा और कौन था, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए फॉल्स है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम इज ऑफर्ड बाय द रिक्वायर्ड बाय बिकमिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। कौन कराता है म्यूचुअल फंड का एग्जाम? एनआईएसएम कराता है। सेबी, इसमें सेबी इसलिए आया है क्योंकि जो एनआईएसएम है ना, वो भी आपका सेबी के अंडर ही आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर सेबी का ऑप्शन नहीं होता, बाकी और सारे ऑप्शन होते, तुम चूज करते एनआईएसएम, बट यहाँ पर जब इन्होंने सेबी दे दिया है तो आपको सेबी चूज करना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम सेबी एनआईएसएम का है। ठीक है दोस्तों, चलो, इन व्हाट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अर्न रिवेन्यू? कमीशन की फॉर्म में आता है। ठीक है, कमीशन ही मिलता है उनको फ्रॉम म्यूचुअल फंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द स्कीम्स। चलो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैन ओनली अर्न अपफ्रंट कमीशन फ्रॉम द, नहीं गलत गलत गलत, उसको ट्रेल कमीशन भी तो मिलता है। अपफ्रंट तो होता है तुरंत मिल गया, ट्रेल होता है लाइफ टाइम मिलेगा, जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी जब तक मिलेगा। तो नहीं, ये भी फॉल्स। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अर्न नो कमीशन व्हेन द इन्वेस्टर चूज टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान। यस यस, जब डायरेक्ट में करेगा तो आपको क्यों मिलेगा? ठीक है ना, क्लियर। एजेंट्स आर कंपनसेटेड बाय म्यूचुअल फंड्स थ्रू कमीशंस। कमीशन ही तो मिलता है एजेंट्स को। इन इंडिया द मिनिमम और मैक्सिमम कमीशन पेबल टू डिस्ट्रीब्यूटर आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ बट आर द डिसाइडेड यूजिंग द फंड्स ओन डिस्क्रिप्शन। यस, देखो ये सच है, बट उसको मेंशन करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे एएमसी को कि हम कितना कमीशन दे रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। व्हाइल कंप्यूटिंग द एक्सपेंसिव रेशियो फॉर ए फंड ब्रोकरेज कमीशन ऑन द फंड्स ट्रांजैक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन द फंड एक्सपेंसेस। ट्रू, द एक्सपेंसिव रेशियो इज नॉट ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इक्विटी। ठीक है, चलो, ये भी अपना आप ना एक्सपेंसिव रेशियो वाला ना आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें आप इजीली समझ पाओगे, क्योंकि अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगूँ तो आपको क्लियर नहीं होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये क्या कर रहे हैं, ये बता तो रहा ही नहीं इसको पूरा, क्योंकि ये आपका चैप्टर नेक्स्ट है।
एनएवी वाला जो चैप्टर आएगा ना, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। द एक्सपेंसिव रेशू इज नॉट अफेक्टेड बाय फंड साइज, फंड साइज से तो अफेक्ट होगा, एवरेज अकाउंट साइज से भी होगा, पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट की कंडीशन से, क्योंकि ये तो फिक्स रहता है भाई, इतने कटेंगे कटेंगे, कमाओ अप जाए मार्केट या डाउन जाए, आपको तो देना ही देना पड़ेगा। द बेसिस ऑफ द जेन्युइन इन्वेस्टमेंट एडवाइस शुड बी फाइनेंशियल प्लानिंग टू सूट द इन्वेस्टर सिचुएशन। क्लियर 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 क्लियर। चलो थैंक यू सो मच, आपका चैप्टर कंप्लीट, ऑल द वेरी बेस्ट।